अच्छा, आपने बताया ये काफी कम समय के अंदर रेडी हो जाती है, 40 दिन के अंदर। फिर आप इसको होलसेल में भी बेच देते हो, तो होलसेल का क्या रेट मिलता है इसका? होलसेल का देखिए 50 रुपए का रेट मिल जाता है इसका, होलसेल में 50 रुपए है। 50 रुपए पर बर्ड के हिसाब से, पर पीस जो बोल देंगे। अच्छा, मतलब अच्छा खासा रेट मिल जाता है। अच्छा, आपने बताया कि इसके फीड का काफी कम खर्चा है जी। जैसे आपने बताया कितना ग्राम खा जाता है ये लगभग वेट गेन करने में? देखिए, ये 40 दिन का प्रोसीजर होता है इसका, एक दिन से लेके 40 दिन तक मीट के पर्पस से। तो ये 600 ग्राम फीड खाता, 600 ग्राम फीड खा जाता है एक सिंगल बर्ड, एक बर्ड। अच्छा, 600 ग्राम फीड खाता है जी। उससे ये कितना वेट गेन कर लेता है 40 दिन में? ये 40 दिन में 200 से 225, 180 ग्राम से नीचे नहीं होता, 180 ग्राम से प्लस ही हो जाता। अच्छा, जैसे आपने जगह की बात करी, तो लगभग कितने बाई कितने के साइड में हम बटेर पाल सकते हैं? 1000 का बता दो आप, एस्टीमेट दे दो थोड़ा। देखिए, 1000 बटेर आपको लगभग 15 बाई 20 में 1000 बटेर आ जाएगा। 15 बाई 20 में जी 1000 बटेर आ जाएगा, यानी कि जो शेड है उस पर काफी कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ हरी नूरपुर, जिला पड़ता है मुरादाबाद, यूपी के अंदर, वारिस मलिक जी के पास में, जिन्होंने क्या है कि बटेर पालन कर रखा है, लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे भाई, किस तरीके से इनका जो बटेर पालन है वो बिजनेस चल रहा है, और क्या क्या जो चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि वो चिक्स की भी उनके पास में हैचरी है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। अगर आपको बटेर पालन करना है तो मेरे आइडिया में ये सबसे अच्छे आपको रहेंगे कि भाई चिक्स प्रोवाइड करवा दें, और जेन्युइन है एकदम। मैं इनके फार्म पे आ रखा हूँ और मैंने जो इनके कस्टमर हैं उनसे भी जानकारी ली है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो भी आप एक दूसरे पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए, जो आज की वीडियो को यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं, जहाँ पे आपने ये बटेर पालन कर रखा है। देखिए, मेरा नाम है वारिस मलिक, मैं विलेज हरी नूरपुर डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, और नियर बाई उमरी चौराहा के पास ये मेरा फार्म पड़ता है। अच्छा, ये आपका एड्रेस है जी। अच्छा, आपने ये बटेर पालन कितने साल से कर रखा है, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। ये देखिए, मैंने बटेर पालन कर रखा है 10 साल से। 10 साल से काफ़ी अच्छा खासा लंबा अरसा हो गया आपको इसके अंदर जी। अच्छा, बटेर पालन करते हुए। अच्छा, जो आपने बटेर पालन कर रखा है, ये पहले तो ये बताओ, ये कौन सी वैरायटी है? देखिए, जापानीज कोयल्स है जो बरेली की संस्था से ली जाती है। अच्छा, बरेली की जो सरकारी जो संस्था है। सरकारी। अच्छा, जापानीज कोयल जी, जापानी। अच्छा अच्छा, जो आपने ये बटेर डाल रखी है, पहले तो ये बताओ कि ऐसे कैसे शुरुआत हुई इसके अंदर, इससे पहले आप क्या पालते थे, और मतलब कैसे इस लाइन के अंदर आना है, थोड़ा सा ये वो स्टोरी बताओ आप। देखिए, पहले मेरा कपड़े का काम था, तो उस टाइम जीएसटी के बाद कोरोना, फिर उसके बाद मैंने ये बटेर का काम शुरू किया। अच्छा, तो किसी की सलाह से किया था आपने, या फिर खुद के ही मतलब हिसाब से? नहीं, मैंने अपनी सलाह से किया था, किसी की कोई सलाह नहीं थी। अच्छा, मैंने जब देखा कि इसमें कम खर्च में बेनिफिट अच्छा है, तो उस वजह से ये काम किया। अच्छा, उस वजह से काम किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत और भी आजकल वैरायटी चल रही है, सोनाली चल रहा है, WFG चल रहा है, और आप इस पे कोयल पे काम कर रहे हो थोड़ा, है ना जी। अच्छा, जो आपने बताया कि इसके अंदर कम खर्चा है, तो मतलब किस तरीके से कम खर्चा है इसके अंदर, थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपका सेट भी काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट वाला सेट बना हुआ है जी, तो थोड़ा सा इस बारे में बताओ खुल के। देखिए, मैंने जो कम खर्च की बात कही है, तो इसके चिक्स अगर आप लेंगे तो 10 रुपये का चिक्स आ जाता है। अच्छा, और इसकी फीड की अगर बात करते हैं, मुर्गा आपका 40 दिन में तैयार होने में लगभग 3 से 3.5 किलो लेता है, और ये 600 ग्राम फीड खाता है। अच्छा, जो बटेर बर्ड है वो 600 ग्राम फीड खाता अच्छा। है। और जगह की हम बात करें, तो इसमें कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड पाल सकते हैं। एक मुर्गी की जगह आप 5 बटेर पाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे आपने जगह की बात करी, तो लगभग कितने बाई कितने के साइड में हम बटेर पाल सकते हैं? 1000 का बता दो आप, एस्टीमेट दे दो थोड़ा। देखिए, 1000 बटेर आपको
लगभग 15 बाई 20 में 1000 बटेरा जाएगा। 15 बाई 20 में जी 1000 बटेरा जाएगा, यानी कि जो शेड उस पर काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। अच्छा, आपने बताया कि इसके फीड का काफ़ी कम खर्चा है, जैसे आपने बताया कितना ग्राम खा जाता है ये लगभग वेट गेन करने में? देखिए, ये 40 दिन का प्रोसीजर होता है इसका, एक दिन से लेके 40 दिन तक मीट के पर्पज से, तो ये 600 ग्राम फीड खाता 600 ग्राम फीड खा जाता है एक सिंगल बर्ड? एक बर्ड। अच्छा, 600 ग्राम फीड खाता है, तो उससे ये कितना वेट गेन कर लेता है 40 दिन में? ये 40 दिन में 200 से 225 180 ग्राम से नीचे नहीं होता, 180 ग्राम से प्लस ही हो जाता। अच्छा, 180 ग्राम प्लस आ जाता है लगभग 40 दिन के अंदर जी। अच्छा, फिर क्या रेट में सेल होता है और कहाँ पे सेल होता है, कैसे इसकी मार्केटिंग है, थोड़ा इस बारे में बताओ। देखिए, इसकी मार्केटिंग तो दिल्ली गाजीपुर मंडी में है, और फिर क्या है अपना होटलों पे जो है कैटर्स हैं, कैटर से कांटेक्ट करना पड़ता है, और होटल पे जो कटर होते हैं, मुर्गा कटर होते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। जैसे आपने बताया 10 साल से हो आप इस काम में, तो आपको कोई मार्केटिंग की समस्या है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्ट्री के अंदर मार्केटिंग की समस्या होती है जी, तो इस टाइप की आपको कोई समस्या आई अभी तक? जी, समस्या आई है। शुरू में जब हमने काम किया था, जब काफ़ी समस्या आई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जहाँ काम कर रहे हैं यहीं लोग बटेर को नहीं जानते थे, और अब सबसे ज़्यादा बटेर को जानते हैं। मुर्गा खाना पसंद नहीं करते, बटेर खाना पसंद करते हैं। अच्छा, तो आपने कैसे मार्केट पकड़ी, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखिए, मार्केट हमने ऐसे पकड़ी, एक बटेर एक पिंजरे में लिया, उस बटेर को हमने होटलों पे दिखाया, फिर जो कटर होते हैं मुर्गा काटने वाले उनको दिखाया हमने, लोगों को बताया कि ये चीज़ होती है, ये खाने के काम में आती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, फैट फ्री होता है, तो उस चीज़ से मार्केट बनाई। अच्छा, उस तरीके से आपने मार्केट बनाई, मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया लेकिन आप सक्सेस हो गए इसके अंदर? जी जी, शुरू में बहुत परेशानी उठानी पड़ी, अब मार्केट की दिक्कत नहीं है, शुरू में मार्केट की काफ़ी दिक्कत। बहुत सारे भाई जो नए फार्मर होते हैं वो यही गलती करते हैं, वो मार्केट पकड़ते नहीं, माल पाल लेते हैं वो अपना, है ना? तो आपने देखो, आपसे सीख सकते हैं इस तरीके जो नए फार्मर भाई हैं जी। अच्छा, आपने बताया ये काफ़ी कम समय के अंदर रेडी हो जाती है, 40 दिन के अंदर जी। फिर आप इसको होलसेल में भी बेच देते हो, तो होलसेल का क्या रेट मिलता है इसका? होलसेल का देखिए 50 रुपये का रेट मिल जाता है इसका, होलसेल में 50 रुपये है। 50 रुपये पर बर्ड के हिसाब से, पर पीस जो बोल देंगे। अच्छा, मतलब अच्छा खासा रेट मिल जाता है। तो लगभग 600 ग्राम का फीड खा के, और ये बड़ा होता है, जैसे हमें चिक्स का भी पैसा लगता है भाई, 10 रुपये का चिक्स आता है इसका। हाँ, और वो फीड भी खा जाता है 600 ग्राम, तो उसके बाद कितना प्रॉफिट हो जाता है इसके अंदर? ये देखिए, 15 से 20 रुपये एक बटेर पे प्रॉफिट हो जाता है। 15 से 20 रुपये, हाँ, 1000 बर्ड पे आप 20,000 कमा सकते हैं। अच्छा, 1000 बर्ड अगर कोई भाई पाले तो 20,000 ईजिली कमा सकता है जी। जी, अच्छा, तो बहुत अच्छी भाई ने जानकारी दी। अच्छा भाई, आपका चिक्स का भी काम है बटेर का, है ना? बहुत सारे जो वीडियो देख रहे हैं भाई, ये बोलेंगे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो कस्टमर हैं, इनके लॉयल कस्टमर हैं, उनसे मेरी बात हो कि तब मैं इनके फार्म विजिट किया है मैंने, ठीक है, इनका एकदम अच्छा रिलेशन है। अगर किसी भाई को बटेर के चिक्स चाहिए हो, तो जेन्युइन चिक्स रखते हैं ये, तो थोड़ा सा अपना वो प्रोसेस बता दो कि भाई आप किस तरीके से बटेर के बच्चे देते हो, क्योंकि आपके जो अंडे हैं, आपने हैचरी भी लगा रखी है ना? जी, मेरी हैचरी है, 1.5 लाख कैपेसिटी की हैचरी है। अच्छा, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी की आपकी हैचरी है। तो आपने जैसे अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे भी अंडे रखे हुए हैं, है ना जी, तो काफ़ी अच्छे अंडे आ रहे हैं। इसका जो अंडे का साइज होता है वो कितना ग्राम तक आता है? देखिए, 10 से 11 ग्राम का इसका अंडा होता है। हाँ हाँ, ठीक है। और ये सारा हमारा ये पेरेंट्स पड़ा है। हाँ, सभी अंडे पे आप देख रहे होंगे। हाँ, इसमें सब में अंडे हैं। हाँ, और ये ही प्रोसीजर होता है इसका, अंडा उठ के हम इसको स्टोर कर लेते हैं, स्टोर करने के बाद फिर हैचरी में चला जाता है, उससे 17 दिन में चिक्स निकलता है। अच्छा, आपने जैसे अंडा बताया इसका लगभग 11 ग्राम के आसपास होता है, तो क्या अगर कोई भाई इसका अंडा सेल करने के लिए इसको पाले जी, तो वो भी पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर अंडे के लिए इसको पाले तो जी कर सकता है। अच्छा, आपका अंडा, आप तो हैचरी में लगा रहे हो अंडा जी, आपने पेरेंट वाले रेडी कर रखी है, तो आपका अंडा भी सेल होता है ये? वैसे अगर लोकल अंडा लेने वाले जिनके पास हैचरी तो लगा ली लोगों ने, मगर उन्होंने अपना पेरेंट्स नहीं बना पाए, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमसे अंडा ले जाके अपना अंडा लगा लेते हैं। अच्छा है, हाँ, हैचरी के अंदर लगा लेते हैं जी। अच्छा अच्छा, जो कोई नया पोल्ट्री फार्मर भाई करना चाहे इस काम को, बटेर पालन को, तो उसे क्या सलाह दोगे, और मतलब कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है, थोड़ा सा बताओ इस बारे में। देखिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपके वीडियो के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है, और एक बार हमारे फार्म पे आके विजिट करे और पूरी जानकारी ले। हाँ, और थोड़ा आपको मैं रोकना चाहूँगा वीडियो में,
तो मैं जो भी कोई नया पोल्ट्री फार्म में बाई करना चाहता है उसको मैं एक सलाह देता हूँ कि हमेशा विजिट करके ही चिप्स खरीदे, है ना। एक बार फार्म विजिट जरूर करे क्योंकि उसमें फ्रॉडबाजी होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। बाकी आपका तो देखो नाम है वैसे, ठीक है, आप बताओ। आप मेरा कहना ये है, दोबारा अब हाँ नहीं बताओ, मेरा कहना यह है जैसे नया फार्मर है, नया फार्मर क्या होता, जोश में होश खो बैठता, तो जोश में होश ना खोए और पूरी इसकी जानकारी ले पहले, इसकी मार्केट मार्केट टफ है, मार्केट बनाए इसकी, मार्केट बनाने के बाद ये काम शुरू करे। काम में कोई कमी नहीं है, काम में प्रॉफिट ठीक है इसमें, सिर्फ करने वाले की कमी है, करने वाले की कमी है। अच्छा, तो अपना एक बार दोबारा से एड्रेस बता दो और भाई एक बार कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दो अपने। देखिए मेरा जो फार्म है विलेज हरी नूरपुर डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद नियर बाई ओमरी चौराहा। अच्छा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8979127500। अच्छा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एड्रेस और कॉन्टैक्ट। देखिए ये विलेज हरी नूरपुर डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद नियर बाई ओमरी चौराहा। अच्छा। और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 8979127500। ठीक है, ये तो भाई का कॉन्टैक्ट है। अगर किसी भाई को बटेर के चिप्स चाहिए हो और जेन्युइन बायर से अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और अपना कीमती समय निकालने के लिए।